अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फंडिंग रेट पे कि ये फंडिंग रेट होता क्या है और इसके मार्केट पर क्या असरात पड़ते हैं। फंडिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट होती है जो कि स्पॉट और शॉर्ट पोजीशन होल्डर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, और ये रेट मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर इनका रेट मुख्तलिफ होता है और ये मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि फंडिंग रेट का ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ता है। देखें, अगर फंडिंग रेट हाई हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशंस एक्सपेंसिव हो जाती हैं और यहाँ पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, और इसी तरह अगर फंडिंग रेट लो यानी कम हो जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये चेंजिंग जो है इनमें ये मार्केट में वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी को भी अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आपको फंडिंग रेट का कैसे पता चलेगा। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जिनमें आप कॉइन मार्केट कैप, उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू, लेकिन मोस्टली जो लो ट्रेडर यूज़ करते हैं वो है कॉइन ग्लास, जिस पे आप इजीली जो है फंडिंग रेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉइन ग्लास पे, तो वहाँ पे मैं आपको जो है फंडिंग रेट ट्रैक करने का तरीका जो है वो बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने कॉइन ग्लास ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऊपर आपको 3 डॉट्स शो हो रही हैं, इनको आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे आपको डेस्कटॉप साइड शो नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, यूँ इसको क्लिक किया, उसके बाद ये आपके पास इस तरह से एक चार्ट आ जाएगा। उसके बाद ये आपने क्या करना है, आपको ये देखें इधर ये 3 लाइन्स शो हो रही हैं, आपने इन 3 लाइन्स को क्लिक कर देना है। इनको आपने क्लिक किया तो ये आपके पास, मैं ये जूम करती हूँ इधर से, ये देखें ये फंडिंग रेट आपको शो हो रहा है, इस फंडिंग रेट को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये इस तरह आपके सामने एक चार्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फंडिंग रेट्स को समझना है कि फंडिंग रेट होते क्या हैं। ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें ये सैम्बल हैं यानी ये कॉइन्स के नेम हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये जो लाइन आपको शो हो रही है ये डिफरेंट एक्सचेंजेज हैं, ठीक है। उसके बाद ये फंडिंग रेट होता क्या है। फंडिंग रेट बेसिकली वो फीस होती है जो हर 8 घंटे के बाद फ्यूचर ट्रेडिंग वाले पे कर रहे होते हैं, यानी सिंपल अल्फाज में मैं इधर ये आपको बताती हूँ कि जब लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स को फीस पे कर रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो जाती हैं तब शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स को फीस पे कर रहे होते हैं। अब फंडिंग रेट को आपने समझना कैसे है, ये देखें, यहाँ पे आपने एक हिंदसे को याद रखना है 0.01, यानी यहाँ पर ये देखेंगे, मैं मिसाल के साथ आपको बताती हूँ, इधर XRP का आपको शो हो रहा है 0.01, यानी ये न्यूट्रल रेट है, इधर ना तो ज़्यादा नेगेटिव पोजीशंस ओपन, शॉर्ट पोजीशंस ओपन है और ना ही ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, यानी इस कॉइन में ज़्यादा वोलेटिलिटी इस वक्त नहीं हो सकती। उसके बाद ये देखें, ये BTC है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, यानी ये 0.01 से कम है तो इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं, यानी ये नेगेटिव की तरफ है। उसके बाद ये देखें पॉजिटिव, ये देखेंगे जैसे आपके पास ये देखें BCH कॉइन है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, यानी इसमें जो है फंडिंग रेट 0.01 से ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है और ये BCH कॉइन को क्या करेंगे, ये इसके इस कॉइन को एक दफ़ा ये क्रैश करेंगे, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है तो उनको लिक्विडेट करने के लिए ये कॉइन को जो है क्रैश करेंगे। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये फंडिंग रेट को ही अपनी जो है पोजीशंस को सेट नहीं कर लेना, ऑन चेन एनालिसिस में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं आज के टॉपिक में जो है वो फंडिंग रेट का बता रही हूँ। देखें, जो लोग आपसे 150-200 डॉलर लेके कोर्स करवाते हैं वो भी आपको ये चीज़ कभी नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे भी तो अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे। मैंने आपको इधर बहुत ही जो है सिंपल अल्फाज में बताया है और आपको ये समझ भी लगेगी, आप ये वीडियो 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ लगेगी। अब यहाँ पर ये देखें, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाती हूँ। यहाँ पर देखें, मैं आपको एक कॉइन की मिसाल के साथ समझाती हूँ। जैसे ये मैंने आपके सामने ये BCH कॉइन को बताया है कि ये देखें BCH में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस एक्टिव हैं। उसके बाद ये देखें OKX के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस एक्टिव हैं। उसके बाद DYDX में भी जो है
लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं ये शॉर्ट वालों को फीस भी पे कर रहे हैं, और यहाँ पे एक जो चीज़ समझने की है वो मैं आपको ग्राफ पे भी लेके चलती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए कॉइन को क्रैश करेंगे, यानी ये कॉइन को एक दफ़ा डाउन लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये देखें फ्यूचर में मैंने आपके सामने BCH कॉइन को ओपन करा, ये देखें यहाँ पे इसका फंडिंग रेट, यानी इसमें जो है लॉन्ग पोजीशंस एक्टिव हैं। अब इसका ग्राफ हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इस कॉइन को करंट रेट के मुताबिक अगर देखें तो ये कॉइन को लिक्विडेट करने के लिए, ये देखें लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए इसको डाउन लेके आएंगे। ये देखें फंडिंग रेट के मुताबिक वो क्रैश हुआ भी है, ये देखें अभी मज़ीद यहाँ पे जो है लॉन्गर्स एक्टिव हैं अभी भी, तो यहाँ पर ये मज़ीद इसको ये फिर यहाँ से ये क्रैश करेंगे, यानी फंडिंग रेट के मुताबिक लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब ये सारा लोगों को इधर ये ट्रैप करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा ये फिर लोगों को दिखा के, तो ये देखें यहाँ पर फिर ये जो है इतना 349-348 तक ईज़िली आ सकता है ये कॉइन। तो यही है फंडिंग रेट जिसको देख के आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपने 100% फंडिंग रेट पे ही अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना लेनी, इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताएंगे, बाकी दुआओं में याद रखिएगा।